एयरक्राफ्ट कैरियर और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो जो ज्यादा शिप्स आएंगी

ठीक है ये मतलब चला गया चला गया ना चला तो टवाड़ा हेलो फ्रेंड्स जय हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत कुल छह एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्द तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है यह पूरी तरह से स्वदेशी होगा यह विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इसे बनाने में कम समय लगेगा एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट पैंतालीस हजार टन होगा यह अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकेगा पिछले साल जनवरी में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई थी लेकिन भारत का मकसद चीन की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करना है ताकि इसे टक्कर दी जा सके आई यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट 45000 टन रहेगा लंबाई 860 फीट बीम 203 फीट ऊंचाई 194 फीट और ड्राफ्ट 28 फीट होगी इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान अब देखें ना इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप को कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे अभी तक मौजूद उनके पास कोई सतासठ सता, सता के करीब सिक्सटी सेवन शेप्स हैं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है सॉरी और उनमें से वो कहते हैं सिक्सटी फाइव जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पर मौजूद हैं सो so इट मींस के दे आर वर्किंग इंडिजनसली वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडह that's what indians are telling the world that's why that's why the americans and that's why everyone else the french are coming there balki abhi main dekh raha tha uh, ke jo french uh, jo sorry sri lankan president hain wo cop 28 mein uh, jo french president macron se mile तो उन्होंने उनको कहा कि जो जो French involvement है Indian Ocean Region में बढ़नी चाहिए ठीक है जी Indian Ocean Dream Association के जरिए वो कहते हैं भरनी चाहिए इट मीन्स कि एवरी वन इज़ आस्किंग द ग्रेट पार्ट टू कम इन द रीजन पर्टिकुलरली इन दैट एरिया पाकिस्तान क्योंकि ये सारा हम तो खत्ते में उससे बाहर हैं लेकिन पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन ये कर सकता है पाकिस्तान मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है दैट तो वी शुड बी वी शुड गो इन टू द इंडो पैसिफिक uh, और अब खैर एनी हो अगर इंडिया दो हज़ार पैंतीस तक एक सौ सत्तर पचहत्तर शिप्स ले आता है तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स ठीक है जी नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं आ, और तो इट मीन्स कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इन वो कह रहे हैं कि जो जो ज्यादा जो शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे सो कहते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट इंडिजिनस कंटेंट होगा वेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट है टाइम टेस्टेड the way chinese military equipment is not time tested russian and american military equipment to hardware jo hai wo time tested they have tested it in different wars and yahi wajah ke sare log ja ke wo unse khareedte hain but india bhi keh raha hai ki we are focusing on atmanirbhar bharat Chinese already इस पर कर रहे हैं China के माल का कोई जो military equipment है उसकी कोई guarantee नहीं है ठीक है ये मतलब चल गया चल गया ना चलिया तो थोड़ा वेलम दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ फील हमारे कंप्लेन रही हैं पूरी दुनिया को कम्प्लेंस रही हैं सो so, इसलिए uh, जिसे वो कहते हैं ना वो वो ये ये चीज़ें कर रहे हैं अब इसमें देखें कि ये जो भले ताइवान इशू हो इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी हो अमेरिकन के साथ हो इंडियन uh, नेवी uh, बड़ी इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज़ इन इंडियन ओशन ठीक है जनाब सो हम इंडियन uh, ओशन में जारी बात है uh, पाकिस्तान की जीरो प्रेजेंस है टू बी देर ठीक है आ, लेकिन आ, वो लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज्यादा फोकस जो ना ह्यूमानिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे इंडिया बात तो ह्युमानिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है बट इन रियलिटी दे आर मिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए और मजे की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज़ कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना ठीक है जी आ, और वो डायलॉग भी चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो Uh, और इंडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड के पाकिस्तान की नेवी जो है दे आर बाइंग सो मच फ्राम चाइना एंड दे आर कीपिंग एन आई ऑन पाकिस्तान के इट्स गेटिंग सो मेनी इक्विपमेंट पाकिस्तान इज़ बेसिकली बाइंग फ्राम जारी बात है रोमानिया से टर्की से उसके बाद क्या नाम है इसका चाइना से हम बहुत सारी जो है वो वो खरीद रहे हैं uh, लेकिन uh, जैसे वो कहते हैं ना कि एक, एक, एक चैलेंज है ओशन खबर यह है कि जो कि मैंने आपको बता दिया कि वहीं है जहाँ पे पब्लिश हो रही है इंडिया विल $5 China, uh, ये कौन सी स्ट्रेंथ है ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है इसकी वजह ये है कि फाइव बिलियन डॉलर फोर पॉइंट समथिंग थ्री बिलियन डॉलर जो है वो एक उन्होंने एयरक्राफ्ट करियर अपने फ्लीट में शामिल किया है और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई विक्रांत आई एम विक्रांत क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से वो भी जो है इंडिजिनस और उस उसपे सारी उनकी कैपेबिलिटी सारी सलाहियतें लगी और उन्होंने बनाया उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन मेड है और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया है अब इसको जो ये बात की जा रही है कि इसलिए है कि चाइना को कंटेन करने के लिए तो अगर आपको याद हो हमने कई एक ऐसी खबरें दी कि जिसमें खास तौर पर जो देखें ये सब तो चीजें अपनी जगह पर चलती रहती है लेकिन ओशंस में क्या हो रहा है जो नेवल पावर है वो किसकी कितनी है ये सब भी चलता रहता